जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। बन गया है एकदम, बहुत ही स्लिपरी है ये मेरे ख्याल से। जब हमें हो गई है काफी देर, 6:15 के आसपास हो गए हैं पहुंचते पहुंचते घर। तो गाइस यार, अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है सामने मोबाइल की टॉर्च। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। चलो शुरू करते हैं जो है आज की यात्रा, और जो है यहाँ से स्टार्ट होती है तुंगनाथ महाराज की चढ़ाई। तो चलो यार गाइस, स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ। एंड दिस ब्लॉग इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू शिव शंकर महाराज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित 5 केदार हैं, जिन्हें पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं में से तीसरे केदार हैं तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर का निर्माण आज से 1000 ईयर्स पूर्व महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा किया गया था। तुंगनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों पर अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के बीच एक भगवान शिव का मंदिर है। ये जो है तुंगनाथ जी के जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पे प्रवेश शुल्क होता है बेसिकली, यहाँ की तुंगनाथ की यात्रा के लिए। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, वयस्क के लिए, वरिष्ठ नागरिक, विदेशी नागरिक, सबके लिए अलग अलग रेट्स हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। तो जैसे मैंने आपको एंट्री फीस दिखाई थी, यहाँ पे सब जो है पर्ची काटते हैं स्टूडेंट, वयस्क, ओल्ड सिटीजन, सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट रेट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये पर्ची यहाँ पे ये सर बैठे हुए यहाँ पे काटते रहते हैं। ये जो है पीयूष कटवारा पर्ची, हम चल रहे हैं आगे। रेट्स वगैरह डाल दिए मैंने, नहीं डाल दिए भाई, बोर्ड पे लगे हुए हैं। आ जा रोनित, आ जा रोनित, आ जा, ये कटवा लेगा। पंच केदार में तीसरा केदार तुंगनाथ है। जब भीम ने महादेव के बैल रूप को पकड़ा, तब उसकी भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई थी। बैल का पीछे वाला भाग केदारनाथ में रह गया था, जबकि अन्य 3 भाग रुद्रनाथ, मध्येश्वर, कल्पेश्वर में प्रकट हुए थे, जिनमें मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में, जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का निर्माण कराया गया था व शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इससे भगवान शिव उस समय प्रसन्न हुए और उन पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया गया था। तो ये रास्ता तो सीधा जाता है, ऐसे घूम के जाएगा, बट यहाँ से एक शॉर्टकट भी है, ये लोग भाग ले रहे हैं यहाँ से। शॉर्टकट, हाँ, आई वोंट सजेस्ट शॉर्टकट्स, रिस्क है इसमें काफ़ी ज़्यादा, और घूम के जाओगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाँ थोड़ा ही एक्स्ट्रा पड़ता है, बाकी शॉर्टकट तो रिस्की होता है। चलो हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुका हूँ, बाकी तो यार आज काफ़ी लोग कर रहे हैं ट्रैकिंग, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये लोग शॉर्टकट मार रहे हैं इधर, बाकी जो है ये रहे। दिसंबर क्रिसमस वीक, काफ़ी लोग आए हैं ट्रैकिंग के लिए तुंगनाथ की। हालांकि तुंगनाथ जी के मंदिर बंद है, बट चंद्रशिला ट्रैक का सबमिट करना होता है, तो इस वजह से विंटर सीजन में काफ़ी लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं करना यहाँ पे। बाकी चलते हैं आगे के व्यूज और शो करेंगे आपको। यार रोहित नीचे से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ चंद्रशिला का
पुराण मतलब पौराणिक महत्व कि ये चंद्रशिला पीक किस वजह से फेमस है, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी ये पढ़ सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 1 किलोमीटर के आसपास ही कवर करा है, अभी जो रास्ता है काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर जाना है, अभी 3 किलोमीटर अप्रॉक्स और जाना है। बाकी आप देखो यहाँ से पहाड़ कितना सुंदर दिख रहे हैं। तो गाइज ये देखो यहाँ से है ये नज़ारा, ये रहा। वहाँ नीचे से जो है ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं हम लोग, हर हर महादेव बोलते हुए अभी आ गए हैं काफ़ी दूर। और यहाँ से है कुछ इस तरीके का व्यू, आप देखो ये व्यू जो है काफ़ी अच्छा है। और चल रहे हैं अभी और ऊपर, फिर बाकी की बातें करते हैं ऊपर चल के। वही स्टिक भी पड़ी है मेरी, स्टिक भी ले लो। चलो भाई रोने त्रील वगैरह शूट कर ले भाई, आ जाइयो फिर। अगर तुंगनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्र व ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का फैसला किया था। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को काशी से लेकर केदारनाथ तक ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। भगवान शिव सभी पांडवों से बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, इसलिए वे उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप लेकर धरती में समाने लगे। यहाँ का गाइस अलग ही मजा है, तुंगनाथ ऊपर है, थोड़ा सा दूरी रह गया, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया हमने, डेढ़ किलोमीटर ऑलमोस्ट बचा है जो कि जल्दी कवर हो जाएगा। और ये इधर दिखाओ, ये देखो घाटी पूरी, केदार घाटी और पंच केदार हम पहुंच गए हैं, वन ऑफ द पंच केदार। तुंगनाथ थोड़ा सा ही रह गया है, और ऊपर का भी दिखा दो रौनित भाई, ऊपर जो है मुझे झंडा दिख रहा है, पता नहीं इसमें दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा, वहाँ पे शायद होपफुली तुंगनाथ जी का मंदिर है। चलो फिर आओ मेरे साथ, चलो चलते हैं तुंगनाथ। ये है नीचे आप जो रास्ते देख रहे हो, यहाँ से हम होते हुए आए हैं, एंड ये रहा अपना रौनित रील्स एंड ऑल बनाते हुए, और बाकी के लोग तो पहुँच गए ऊपर, हम चल रहे हैं धीरे धीरे। बाकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा जैसे भी है। ट्रैक की बात करें तो मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी भी नहीं है, धीरे धीरे हिम्मत करके भोले का नाम लेते ले लेके चढ़ी जाओगे यार। और ये रात 180 डिग्री व्यू, ये है ट्रैक, और सामने आप जो वो सफ़ेद मंदिर देख रहे हो वो है तुंगनाथ जी का मंदिर, ये रहा वाइट वाला, और ये है चंद्रशिला पीक। ये सब लोग आज ट्रैकिंग के लिए आए हैं और धीरे धीरे किसी तरीके से पहुंच रहे हैं, हम भी बस चलते जा रहे हैं। अभी टाइम हो गया है 1:20, हम लोग 11:15 करीब ये ट्रैक स्टार्ट कर दिए थे, नाउ वी आर ऑलमोस्ट अराउंड 1 किलोमीटर
बिफोर ऑफ तुंगनाथ। I know guys that I mentioned it's a moderate track, but I have to take my words back. It's not moderate at all. पूरी हालत ख़राब हो चुकी है सभी लोगों की यहाँ तक पहुँचने में। अभी भी तुंगनाथ जी काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। वो क्या बुलाती है बनाया हुआ है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, अभी दूर है जो है ट्रैक। वो बैठे हमारे भोले शंकर महाराज जी। अभी कैसा लग रहा है आपको ट्रैक करके? मॉडरेट का हो गया डिफिकल्ट? ठीक ही लग रहा है ना। डिफिकल्ट तो नहीं है बट आस्था मन में रखे ना। हाँ हाँ, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। धीरे धीरे चलते रहो तो पहुँच ही जा रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट वही कर रहे हैं। ये लमसम 1-1.5 घंटे का ट्रेकिंग कंप्लीट हो जाता है। हाँ। तो हार्ड काम नहीं। ठीक है चलो चलते हैं। भाई साहब चल चल के हो गई है मेरी हालत ख़राब, बट क्या करें, हिम्मत है तो सब कुछ है। सामने देखो एक भैया आ रहे हैं, इनकी एक टांग ख़राब है फिर भी ये पूरा ट्रैक करके आ रहे हैं तुंगनाथ जी का। और व्यू जो है वो भी शानदार है। आई थिंक थोड़ा सा और रह गया है बस। अगर आपको महाभारत के बारे में पता होगा तो अवश्य ही भीम के बारे में पता होगा। तभी भीम ने उन्हें देख लिया और बैल को पीछे से पकड़ लिया। जब उस बैल को पीछे से पकड़ा तो उसका पीछे वाला भाग वहीं रह गया और बाकी चार भाग चार अन्य जगह पर निकले, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। सो गाइस तुंगनाथ तो पहुंच गए हैं, बट द प्रॉब्लम इज मंदिर जैसा कि पता है आपको कि चार धाम के मंदिर सारे ही जितने मंदिर हैं वो सब भाई दोस्त दिवाली के आसपास क्लोज हो जाते हैं। बट फिर भी लेट्स टेक दिस व्यू फॉर यू गाइस। तो ये है मंदिर मेरे पीछे तुंगनाथ जी का। गाइज हमने आपको तुंगनाथ मंदिर तो दिखाई दिया है, अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला की तरफ। और यहाँ से ऐसा है कुछ ये रास्ता स्टार्ट हो जाता है, तो ये रहा सामने का रास्ता। ये ऐसे ऊपर, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर सीधे जाना चंद्रशिला पीक। चलो चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा नैरो इसके रास्ते हैं और स्टीप है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट लेट्स सी। चलो 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 रौनक भाई, मिताशी, मितुकाश, चंद्रशिला। चलो यार गाइस, अब मैं आपको चंद्रशिला के बारे में बता देता हूँ। चंद्रशिला को मून रॉक मतलब चंद्रमा की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है।
चंद्रशिला मुख्य रूप से 5 चोटियों के शिखर के रूप में भी जानी जाती है, जो कि नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपंच और चौखंबा के नाम से जानी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, समुद्र तल से चंद्रशिला की ऊंचाई लगभग 4050 मीटर के आसपास है, अप्रॉक्स 4 किलोमीटर्स। बट आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि जो ट्रैक है वो काफ़ी स्टीप है। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करी जाए तो ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र शंकर भगवान जी के उपासक थे। माना जाता है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने अपने मन की शांति को दूर करने के लिए तुंगनाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित एक पर्वत चोटी पर भगवान शिव की आराधना की, और उस समय से आज तक इस चोटी को चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चंद्रशिला का अर्थ और इसके संबंध में ये भी कहा जाता है कि सतयुग में राजा दक्ष हुए थे, जिनकी कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक पुत्री का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ हुआ था, और उनके आत्मदाह के बाद 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह देव चंद्रमा से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का विशेष स्नेह राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी से था। जब अन्य 26 पुत्रियों द्वारा इसकी शिकायत राजा दक्ष से की गई तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन जब वे नहीं समझे तो उन्हें 6 रोग से पीड़ित रहने का श्राप मिला। उसके बाद रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने कुछ समय के लिए चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर भी शिव शंकर भगवान का ध्यान किया था। उसके बाद से ही इस पर्वत चोटी, इस शिला का नाम चंद्रशिला पड़ गया था, और इसे आज के समय में मून रॉक भी कहा जाता है। अभी यहाँ पर आए हैं हम लोग, ये है आकाशकुंड, जो कि तुंगनाथ के रास्ते में ही पड़ता है, और आकाशकुंड अब पता नहीं इस कुंड का महत्व क्या है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। और सामने आप देखोगे तो हाथी की और गौ माता की जो है यहाँ पे वो लगी है गर्दन, मतलब एक मुखौटा टाइप। ओके, ये है कुंड। अभी फ़िलहाल यहाँ जो टेम्परेचर हो रहा है वो है -degree। ये रहा ग्लेशियर, काइंड ऑफ जम गया है यहाँ पे, बन गया है एकदम, बहुत ही स्लिपरी है ये। मेरे ख्याल से जब बारिश का मौसम होता है तो ऊपर से ये पूरी रिवर बहते हुए आती है इस तरीके से, और ये बांध रखे पहाड़ ताकि पहाड़ वगैरह ना जाए नीचे साथ में, इसलिए सब बांधे हुए हैं। और ये ऐसे फिर इधर की तरफ, ये नीचे भी पूरी जम गई है, ये देखो ये पूरा जम गया। ये नदी है जो ऊपर से बहती हुई आ रही है, बारिश में सारा पानी आता है ऊपर से नीचे। सो गाइस, अब शाम के 5:30 के आसपास हो रहे हैं और हम आ गए हैं नीचे उतर के। बाकी सब लोग भी, ऑलमोस्ट सभी लोग उतरना सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और काफ़ी अच्छा लगा ऊपर जाके तुंगनाथ महाराज के जो है दर्शन करके। भले बाहर से हो सके कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया। ट्रैक भी अच्छा खासा बड़ा ट्रैक है, कोई इजी ट्रैक नहीं है। 3-4 घंटे तुंगनाथ तक लगते हैं, चंद्रशिला तक और ज़्यादा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा और लग जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, बाकी सब लोग जो है नीचे आ गए, उतर गए। चलो हम भी निकलते हैं यहाँ से और बताते हैं आपको रास्ते में।
सनसेट का कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, नाइस देखो। तो यार गाइस, जैसा आपने देखा सनसेट हो रहा है, ऑलमोस्ट रात ही होने वाली है थोड़ी बहुत देर बाद, इस समय हम उतर रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया तो क्या हो गया, ट्रैक का मज़ा ही कुछ अलग अलग होता है और मज़ा भी आया ट्रैक में, ऐसी बात नहीं है। सो वी आर गोइंग डाउन स्टेयर्स नाउ और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो सब लोग जो है उतर रहे हैं नीचे इस तरीके से, तो अभी हमें ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे जाना है अगेन, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, अभी बेसिकली काफ़ी नीचे जाना है, वो उधर उधर है जहाँ से हमने ट्रेकिंग स्टार्ट करी थी, तो बेसिकली अभी काफ़ी डिस्टेंस है जाने में, तो देखते हैं कितनी देर में पूरा करते हैं डिस्टेंस, और चलो चलते हैं आगे। रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ का, सो गाइस यार लेट हो गए नीचे उतरते उतरते और बज रहे हैं 6:15 के आसपास, खत्म हो लिए सब भाई, खत्म हो लिए सारे के सारे, हाथ पैर टूटे पड़े हैं। हाँ, इधर से व्यू यार काफी अच्छा आ रहा है, हमें हो गई है काफी देर, 6:15 के आसपास हो गए हैं पहुँचते पहुँचते घर, और ठीक है अच्छा लग रहा है, कोई नहीं पहुँच ही गए, ऑलमोस्ट 500 मीटर के आसपास रह गए नीचे। और जो है लेट भी निकले थे, सुबह 10 बजे के आसपास तो हम निकले ही थे, तो उस वजह से और लेट हो गया था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है टाइम हो ही गया। आओ वहीं चलता दाढ़ी वाले, अच्छा पी लो जय भोले शंकर भगवान की, फिर बुलाना जल्दी आएंगे फिर से, चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और ख़त्म करते हैं यहीं पे हम तुंगनाथ का ये वाला ब्लॉग, मिलेंगे आपसे जल्दी।